And now, the moment that we were all waiting for has arrived. Our chief guest, our keynote speaker, Mr. Jayant Sinha, is someone who has seen the world of Indian politics since the 1990s. बहुत बहुत धन्यवाद आज इस ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में उपस्थित मेरे तीन बड़े वरिष्ठ इन्वेस्टर जिनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ श्रीमती अमीषा वोरा जी श्री सुनील सिंघानिया जी और श्री मधुसेन सुदन केला जी थोड़े पहले आने से मुझे भी बहुत लाभ मिला क्योंकि मैंने जब इनके प्रश्नोत्तर में इनके जवाब सुने तो कुछ इन्वेस्टिंग के बारे में मैंने भी सीखा मुझे भी ज्ञान मिला तो आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए श्री कृणाल मेहता जी को भी मैं पहचानना चाहता हूँ उनके ही निमंत्रण में मैं आज सूरत आया हूँ और पूरे मेहता वेल्थ के सब टीम के ही कारण और उनके सहयोग के कारण आज ये संभव हो चुका है और जब भी मुझे अवसर मिलता है सूरत आने के लिए तो मैं हरदम कोशिश करता हूं कि मैं सूरत आऊं क्योंकि इस शहर से मेरा एक विशेष लगाव है आप सबको शायद याद होगा कि कुछ वर्ष पहले जब मैं विमानन मंत्री था तो ये मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं यहाँ स्पाइस जेट की फ्लाइट लाया और उस समय सूरत में कोई हवाई जहाज की व्यवस्था नहीं थी कोई फ्लाइट्स नहीं थी लेकिन वो स्पाइस जेट की फ्लाइट आई और आप लोगों को एक बहुत बड़ी सौगात मिली और उसी से जुड़ी हुई एक बात यह है कि अभी सुनील सिंघानिया जी और मधुसूदन केला जी बता रहे थे कि वो मुंबई से वंदे भारत की ट्रेन में आए हैं मैं आप सबको बताना चाहता हूं और यहां हजारीबाग के और झारखंड के कुछ मेरे मित्र हैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम लोगों के लिए हजारीबाग में एक ऐतिहासिक पल अभी 26 जून को होने वाला है हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हरा झंडा देंगे और हजारीबाग को और हम लोग 150 साल से इस मौके के लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे 150 साल के प्रतीक्षा के बाद हम लोगों को भी एक सुपरफास्ट ट्रेन मिलने वाली है लेकिन वो कोई ऐसी वैसी ट्रेन नहीं है साथियों वो भी एक वंदे भारत ट्रेन है हम लोगों को 26 जून जो पटना से लेकर हजारीबाग आएगी हजारीबाग से रांची जाएगी और मैं आपको बता दूं कि हजारीबाग के वासियों के लिए ये अकल्पनीय है हम लोग कभी भी ये सोच भी नहीं सकते थे कि आप हजारीबाग ट्रेन स्टेशन में आप बैठिएगा और 3-3.5 घंटे में आप पटना पहुंच जाइएगा और 2 घंटे में आप रांची पहुंच जाइएगा ये हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे लेकिन हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल और निर्णायक नेतृत्व के कारण ये सपना भी हम लोग पूरा करने वाले हैं और ना सिर्फ वंदे भारत का हरा झंडा मिलने वाला है जैसे मैंने अभी कई भाषणों में हजारीबाग में कहा ना सिर्फ वंदे भारत को हरा झंडा मिलने वाला है लेकिन हजारीबाग को भी उनके सपनों के लिए भी एक हरा झंडा मिलने वाला और यही माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है पूरे देश को उन्होंने एक हरा झंडा दिया है पूरे देश को हरा झंडा दिया है और अभी जैसे हमारे साथी बता रहे थे कि वेल्थ क्रिएशन की जो अपॉर्चुनिटी है वो अगले कुछ वर्षों में मतलब कल्पना के परे है और मैं आपको कुछ आंकड़ों के आधार पर इसको बताना चाहता हूं जब 2014 में हम लोगों की सरकार बनी साथियों तो भारत की जीडीपी $2 ट्रिलियन के आसपास थी $2 ट्रिलियन 9 वर्षों में हम लोग $2 ट्रिलियन से लेकर $3.5 ट्रिलियन तक हम लोग ले आए हैं मतलब $1.5 ट्रिलियन में बढ़ोतरी हुई है हम लोगों के जीडीपी के आपको मालूम होगा कि हम लोगों का जो लिस्टेड कंपनीज का मार्केट कैप है वो जीडीपी के साथ 1:1 है तो उस समय भी $2 ट्रिलियन था अब $3.5 ट्रिलियन हो गया यानी पिछले 9-10 वर्षों में वेल्थ क्रिएशन जो हुआ है जो संपत्ति बढ़ी है वो $1.5 ट्रिलियन की संपत्ति बढ़ी है साथियों अब विकास की ट्रेन चल रही है और वंदे भारत की रफ्तार पे चल रही है विकास की ट्रेन वंदे भारत की रफ्तार पे चल रही है और मैं भविष्यवाणी करता हूं कि ना सिर्फ वंदे भारत लेकिन मुंबई से सूरत सूरत से अहमदाबाद वंदे भारत नहीं बुलेट ट्रेन भी चलेगी और इसलिए आगे के 10 वर्ष
आगे के 10 वर्ष में अगर हम लोग 6-7% की गति पे चलते रहेंगे साथियों, तो जो आज $3.5 trillion की जीडीपी है, $3.5 trillion की जो जीडीपी है, वो $7 trillion के आसपास होने वाली है। हम लोग दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमी बनने वाले हैं, यूएस और चाइना को छोड़कर $7 trillion होने वाला है। और जब $7 trillion होगा तो लिस्टेड मार्केट कैप में सिर्फ $1.5 trillion की बढ़ोतरी नहीं होने वाली है साथियों, $3.5 trillion की बढ़ोतरी होने वाली है। तो जो वेल्थ क्रिएशन पिछले 10 वर्ष में हुआ है, उसका 2 गुना वेल्थ क्रिएशन अगले 10 वर्ष में होने वाला है। आप लोगों के पास इतनी संपत्ति हो जाएगी, मैं आपको क्या बताऊं। और सुनील जी जैसे आपने कहा कि सब कोई 99% 1% झूठ बोलते हैं, 99% लोग जिनके वेल्थ क्रिएशन आज के समय पीक में है, वो चरम हम लोग और पार करते हुए और एक शिखर पे 10 साल में पहुंचने वाले हैं। इसलिए वेल्थ क्रिएशन भारत में बहुत जबरदस्त तरीके से होने वाला है। तो इसलिए आज आप लोग वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोच रहे हैं, और वेल्थ क्रिएशन पे हमें सोचना चाहिए, क्योंकि आगे जो हम लोगों का भविष्य है बहुत ही सुनहरा लग रहा है, स्वर्णीय लग रहा है।